बढ़िया तरीके से देखिए पानी यहाँ से बहते हुए जा रहे हैं, वापस शिवलिंग है और यहाँ से देखिए पानी पूरा बहते हुए जा रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है, देखिए। एक भाई से मिला था, बोला है कि मुझे YouTube पे कहीं पे देखा है अगर देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है? ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, चलिए जल्दी से खाते हैं और अभी निकल जाएंगे दोनों, और भाई भी मेरे साथ साथ में जाने वाला है। वो लेमन वाटर, हाँ, पानी फैसिलिटी देखिए भाई, बहुत फैसिलिटी से। जल्दी से नींबू पानी खा लेते हैं, नींबू पानी मेरा फेवरेट है। चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो आके बहुत ही बढ़िया लगा। और ऊपर गणेश मंदिर भी है, हम लोग खाना वगैरह बना के खा सकते हैं कहीं पे, ठीक है? तो वो भी बढ़िया होगा, देखते हैं क्या, जो भी अच्छा होगा वही करेंगे। कल के लिए फुल रेडी हो रहा है। गुड मॉर्निंग राइडर्स, आप लोग कैसे हो जी? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया। नहा धो के फ्रेश होके सब कुछ करके रेडी हूँ और सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि अभी जाना है मुझे मंदिर पे शिव जी के पास दर्शन करके आना है जल्दी से। आज 14th अगस्त है, 14 तारीख है आज, कल होगा 15 अगस्त को, कल तो राइड करना ही हम लोगों को, ठीक है? तो इसलिए जल्दी से जाना है, बढ़िया तरीके से दर्शन करके फिर बाइक को आके वॉशिंग करना है, फ्लैग वगैरह सब देखते शाम तक, मतलब सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद अभी तक मतलब प्लान भी नहीं हुआ हम लोग का कहाँ पर जाना होगा कल, ठीक है? तो वही बहुत सारा काम है आज, देखते हैं क्या कुछ होता है और कौन कौन जाएगा ये सब, मतलब वो लोग को पूछ रहा हूँ दोस्त लोगों को, लेकिन वो लोग मतलब ठीक से बता नहीं पा रहे, अपना अपना सबका प्रॉब्लम होता है गाइस, तो आप लोगों को पता होगा। तो वही ट्राई कर रहा हूँ, अगर दोस्त लोगों का नहीं होता है तो मैं ये ट्राई करूँगा कि KTM हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी क्लब KTM के तरफ से एक राइड मतलब होस्ट किया है, तो वहीं पे मैं शायद ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है, अगर दोस्त लोगों का नहीं होता है तो फिलहाल वो सब करेंगे, पहले दर्शन करके आते हैं आराम से, बढ़िया तरीके से दर्शन करके आएंगे। करके पास में वो जो डिपोरविल जाता हूँ ना मैं, वही लाइन पे है एक शिव मंदिर बढ़िया सा, रिसेंटली मेरे मम्मी लोग जाके आए हैं वहाँ पे, दर्शन करके आए हैं बढ़िया तरीके से। तो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना वहाँ पे जाके थोड़ा सा दर्शन करके आएंगे। बस रेडी हूँ, देखिए, चलिए बस ब्रेकफास्ट नहीं किया, आके जल्दी से ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद बाइक को भी वॉशिंग वगैरह करना है, सब कुछ रेडी करना है, तो जल्दी से जाना है। अभी आने के बाद सब कुछ ख़त्म करना है शाम तक, उसके बाद शाम को प्लानिंग करके दोस्त लोग आएंगे यहाँ पे, तो उन लोगों के साथ प्लानिंग करके कल कहाँ पे क्या कुछ होगा प्लान करेंगे, ठीक है? और सोच रहा हूँ कि अगर ज़्यादा लॉन्ग राइड भी नहीं करेंगे, हम लोग खाना वगैरह बना के खा सकते हैं कहीं पे, ठीक है? तो वो भी बढ़िया होगा, देखते हैं क्या, जो भी अच्छा होगा वही करेंगे। फिलहाल तो अभी रेडी हो चुका हूँ, हेलमेट वगैरह लेके, बाइक नहीं तो स्कूटी लेके, स्कूटर मेरे फादर जी का स्कूटर लेके मैं जाने वाला हूँ मंदिर पे अकेले, ठीक है? एक जाने वाला था वो भी करके, बंदा अभी मतलब पता नहीं, कॉल किया 2-3 बार तो अभी बंदा कॉल नहीं पिकअप कर रहा है। ऐसे होते हैं, मतलब कभी कहीं पे अगर जाने का प्लान करोगे ना तो कैंसिल करना है कोई ना एक को, ठीक है? तो चलिए कोई नहीं, अकेले चले जाऊँगा, बढ़िया तरीके से दर्शन करके आना है मुझे। चलिए गाइस, लेट्स गो। हेलमेट ले लेते हैं और धूप बहुत है बाहर, तो सनग्लास लेना ही पड़ेगा, ठीक है? धूप बहुत बाहर है आज, आप लोगों को मौसम दिखाना भूल गया, देखिए तो धूप बढ़िया ही है, लेकिन उतना भी नहीं होगा शायद, लग रहा है बीच बीच में मतलब थोड़ा बहुत हवा भी आ रहा है और फिर क्लाउडी है, तो शायद पता नहीं, सनग्लास चाहिए होगा, ठीक है? बाहर धूप है तो लेट्स गो। ऑलराइट राइडर्स, तो मैं अभी बाइक लेके निकल के आ चुका हूँ और आज देखिए हाफ हेलमेट पहना हूँ, मुझे लगा था मैं स्कूटी लेके जाने वाला, लेकिन फादर जी स्कूटी लेके कहीं पे चले गए, तो इसलिए मैं अपने जाने मन को लेके आना पड़ा, ठीक है? तो चलिए अभी ऑन द वे हूँ, चलिए से मंदिर पे चलते हैं, बढ़िया तरीके से दर्शन करके आ जाएंगे। चलिए, खतरनाक वाला धूप है, खतरनाक वाला। राइडर्स, में पहुंच चुका मंदिर पे और अभी दोबारा मैं दिया वगैरह ले रहा हूँ, तो चलिए जल्दी से ले लेते हैं और जल्दी से दर्शन करने हैं, लेट्स गो। तो अभी मैं पूरा अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से पूरा बढ़िया तरीके से पूरा व्यू आ रहा है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे, देखिए क्या खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। जल्दी से दर्शन करते हैं, दर्शन कोरिला कोरिला। तो चलिए गाइस, यहाँ से अभी दर्शन करना हो चुके हैं और एक भाई से मिला था, बोला है कि मुझे यूट्यूब पे कहीं पे देखा है, अगर देखा है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है? ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं। भाई भी अभी दर्शन करने के लिए आए हैं, ठीक है? तो आराम से दर्शन कर लो, मैं भी अभी जा रहा हूँ ऊपर, और गणेश मंदिर भी है तो वहाँ पे जल्दी से दर्शन करके जाना है। हाँ, पर्सनल नंबर कितना जाके था, नहीं
ठीक है सर, चलिए अभी यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पे बोले हाथी निकलते हैं शाम को, तो यहाँ पे बोले हाथी निकलते हैं नॉन स्टॉप बोले यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से बहते हुए पानी जा रहे हैं तो लगता है पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं होंगे। बहुत ही खूबसूरत शहर है, देखिए वहाँ पे शिवलिंग है। तो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बड़ी तरीके से देखिए पानी यहाँ से बहते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे शिवलिंग है और यहाँ से देखिए पानी पूरा बहते हुए जा रहे हैं, देखिए बहुत ही सुंदर है। देखिए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तो आके बहुत ही बढ़िया लगा। और ऊपर गणेश मंदिर भी है, जाके वहाँ पे जल्दी से दर्शन कर। और अभी यहाँ से देखिए पूरा व्यू आता है, चलिए पूरा गेट यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, एक हल्का सा अभी हवा भी दे रहे हैं, देखिए एक बड़ी सा हवा आ रहा है अभी। लेट्स गो, चलिए मैं पार्किंग पे आ चुका हूँ, बाइक लेके सीधा जाना है। গণেশ মন্দির নয় কাম করো, ইয়াতে দর্শন করলো, খালি আছে কি কোয়া, এনে অল্প সেবাটা লইল। तो यहाँ पे भी एक और वहाँ पे भी एक गणेश मंदिर है, तो यहाँ पे खाली लग रहा है, तो जल्दी से यहाँ पे थोड़ा सा माथा टेक लेते हैं, उसके बाद सीधा घर पे। चलिए देखिए खाली है अभी, हाँ। और भाई भी मेरे साथ जा रहा है अभी आगे तक। तो आने के टाइम मैंने यहीं पे रखा था हेलमेट, वो रहा मेरा हेलमेट लटक रहा है ऊपर। चलिए अभी पार्किंग का पेमेंट हो गया, यहाँ से निकलते जल्दी से। तो भाई और मैं अभी खा रहे भोग, ठीक है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं खाऊंगा भोग, क्योंकि मैं अकेला था। अभी भाई मिल गया, भाई ने बोला कि थोड़ा सा जाके खा लेने से अच्छा होगा, तो दोनों अभी भोग खा रहे, ठीक है। तो भोग पे खिचड़ी पूरी सब्जी पापड़ और खीर भी था, लिया नहीं मैंने, खीर भी था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है भोग, चलिए जल्दी से खाते हैं और अभी निकल जाएंगे दोनों। और भाई भी मेरे साथ साथ में जाने वाले, वो लेमन वाटर, हाँ पानी फैसिलिटी देखिए भाई, बहुत फैसिलिटीज है। जल्दी से नींबू पानी खा लेते हैं, नींबू पानी मेरा फेवरेट है। चलिए चलिए भोग वगैरह करना हो चुका है, अभी बाइक लेके सीधा निकलना है घर के लिए, उससे पहले पानी पीना है, पानी बहुत प्यास लग रहा है। चलिए तो हम लोग पूरा मंदिर से बाहर आके मेन रोड पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो रहा भीमाशंकर मंदिर, मेन गेट वो रहा, ठीक है। भारत पेट्रोल पंप पार करते, पीछे एक भारत पेट्रोल पंप है, पार करते वो रहा, ठीक है। भीमाशंकर मंदिर लेफ्ट आने से, बाकी आप लोगों को पूछने से पता चल जाएगा। अभी पानी पी रहे दोनों, पानी पीने के बाद भाई को भी छोड़ना है। कहाँ छोड़ना है तुमको? आगे। आगे कहाँ? मोइनाकुरुंग ऐसा कुछ जगह है वहाँ पर, आगे भाई को ड्रॉप करके मैं सीधा घर पर। चलिए और खतरनाक वाला धूप दे रहा है, धूप कैसा है ब्रो? बहुत है, खतरनाक वाला। चलिए अभी भाई को अभी ड्रॉप कर दिया है, बाय 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 बाय। एक बार नाम बोलो तुम्हारा। मेरा नाम जुमन बैश्य है। जुमन बैश्य, बैश्य, ठीक है। जुमन भाई अभी जा रहे हैं, मैं भी घर पे, जुमन भाई को बाय बोल देते हैं। चलिए बाय बाय, मिलेंगे कभी, हाँ ठीक है, कभी मिलेंगे। चलिए अभी गाइस सीधा जा रहा हूँ घर पे, क्या जबा। तो भाई अभी यहाँ से ओके राइट को जाने वाले, मैं सीधा जाने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मंदिर से आते ही मैं घर पहुँच चुका, और घर के पास में एक वॉशिंग सेंटर है, देखिए। तो मेरा वॉशिंग पे लग चुका है, भैया भैया जी अभी वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉशिंग कंप्लीट होने के बाद जाके घर पे पूरा नहा वहा के फ्रेश होकर कुछ खाने वाला हूँ, बहुत भूख लग रहा है। खाने के बाद रेस्ट करेंगे, फिर एडिट वगैरह करके आज शाम तक ट्राई करेंगे, वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है गाइस। कल के लिए फुल रेडी हो रहा है, तो मैंने बोला था आप लोगों को पावर प्रेशर पे ज़्यादा बाइक धोना नहीं चाहिए,
तो इसलिए मैंने बोल दिया भैया जी को बस टायर वगैरह पे ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, तो वहीं पे मैंने ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला है, ठीक है। तो वहीं पे अच्छे तरीके से धोने के लिए बोला है, बाकी बॉडी पे ऐसे थोड़ा सा पानी देने से भी हो जाएगा, वो लिया है। बस ज़्यादा पावर प्रेशर पे धोने से क्या होता है, कलर जल्दी से फेड अप होता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर पावर प्रेशर में ज़्यादा करके धोते हैं तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। घर पर हाथ से वगैरह आप लोग पानी मार के शैम्पू वगैरह पोंछ के धोने से बहुत ही अच्छा होता है। बाकी आप लोग महीने में एक बार पावर वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कल के लिए रेडी हो रहा है गाइस, बस अभी शाम को दोस्तों के साथ मतलब डिस्कस करके हम लोग का लोकेशन सेट करना है, कहाँ पे जाना होगा, ठीक है। तो घर पे आने के बाद नहा वहा सब कुछ लिया है, अभी लंच हो रहा है गाइस। चलिए चल से लंच खा लेते हैं। चलिए लंच हो गया है, तो मैं घर पे आ गया था, नहाना वहाना सब कुछ हो गया, फिर नहा के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, तो लंच अभी देरी हो गया। देखिए 5:30 होने वाला है, 5:30 होने वाला है। थोड़ा सा टायर्ड हो गया था तो मैं घर पे आके रेस्ट कर रहा था, नहा वहा के फिर अभी जस्ट लंच किया है, ठीक है। तो अभी पीसी ऑन कर रहा हूँ, जल्दी से एडिट करना है, ट्राई करेंगे आज 7 to 7:30 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर कल से और इंडिपेंडेंस डे वाला व्लॉग शुरू करना होगा। चलिए जल्दी से करते हैं। और देखिए घर पे ही है, लास्ट ईयर मैंने खरीदा था फ्लैग, तो मेरे बाइक के लिए यही अच्छा है, ठीक है। अगर ये चलेगा तो यही चला लेंगे, और छोटा छोटा फ्लैग ऐसे ही देखते हैं। मेरा KTM RC है ना, तो मेरा हैंडल कुछ अलग टाइप का है, गोल हैंडल बार, तो मेरा तो वैसा है नहीं KTM RC का, तो इसीलिए मेरा प्रॉब्लम होता है। तो मैं मतलब छोटा छोटा हैंडल बारों में लगाने वाला फ्लैग जो होता है इंडियन फ्लैग्स, तो मैं लगा नहीं पाता, तो मुझे कुछ और कपड़ा लंबा ऐसे स्कार्फ जैसा कुछ लेना पड़ता है। तो तभी मैं बाइक को पे मतलब बांध के कुछ जुगाड़ वगैरह करके ही मैं चला पाता हूँ, नहीं तो नहीं होता। तो देखते हैं, अगर मिलता है तो नया वाला और एक ले लेंगे, नहीं तो ये भी लगा लूँगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल एक ही प्रॉब्लम है कि डेस्टिनेशन ठीक नहीं हुआ है, तो अभी दोस्त लोग भी शाम को आने वाला है, अड्डा वगैरह करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कहाँ जाना बेहतर होगा, कहाँ जाना ठीक होगा कल, ठीक है। देखते हैं, एक बढ़िया तरीके से कुछ प्लान करेंगे, सबके लिए अच्छा होगा, कुछ बढ़िया तरीके से प्लान करेंगे, आप लोगों को भी देख के बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखते हैं जो अच्छा होगा वही करेंगे, फिलहाल तो PC ऑन कर रहा हूँ अभी मैं, PC को ऑन कर रहा हूँ, अभी एडिटिंग होने वाला है, ठीक है। चलिए PC ऑन हो रहा है, अभी एडिटिंग होने वाला है पूरा, चलो चलो ऑन हो जाओ, 1 2 बूम, चलिए ऑन हो चुका है, अभी एडिट करने के लिए बैठने वाला हूँ, और आज ही आप लोगों को मिल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यही था आज का ब्लॉग, ये पे खत्म करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तिल देखे दादा सी बाय राइडर्स। जो लोग नए हो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कल जरूर मिलेंगे। बढ़िया से शाम हो रहा है, एडिट ख़त्म करते ही नीचे जाना है, दोस्त लोगों के साथ थोड़ा सा मीटिंग बिठाना है, मीटिंग वगैरह करके हम लोग कल के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है। बाय बाय राइडर्स।